हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे 17 फरवरी को जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन कुछ मिले हैं, क्वेश्चन कंपेयर टू अदर डेज थोड़ा कम मिल पाए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो भी क्वेश्चन मिले हुए हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया था कांग्रेस फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ, है ना। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, कांग्रेस फर्स्ट सेशन या फिर अधिवेशन, है ना। और गाइज आपके पास अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कम मिल पाया, मैं कहीं गया था जल्दी जल्दी में, जो मुझे व्हाट्सअप में मिला था मैंने क्रॉस चेक किया फोन करके और फिर मैं आप लोग के बीच में लाया हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कांग्रेस फर्स्ट सेशन जो हुआ था अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, आपसे ईयर ही पूछा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बात करूं तो पूछा गया था किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है ना। तो स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, स्वर्ण युग, तो ये आपका गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। किसको, गुप्त काल, है ना, गुप्त काल को स्वर्ण युग। तो आई थिंक यहाँ यही ऑप्शन में दिया रहा होगा, है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि देखिए लिंगराज मंदिर किसने बनवाया, है ना। लिंगराज मंदिर किसने बनवाया, तो ये आपका बनवाया था ययाति केसरी ने, है ना, ययाति केसरी ने आपका बनवाया था आपका क्या, लिंगराज मंदिर, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, ये पूछा गया था। तो कब हो जाएगा आपका, 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942, या फिर इसी को अगस्त आंदोलन भी बोला जाता है क्योंकि ये 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था, देखिए यूएन में 193 जो कंट्री ऐड हुई है उसी का नाम पूछा गया था, है ना। तो यूएन 193 कंट्री नेम पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ सूडान हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो मुझे मिला है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए रेडियम, है ना, रोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये थोड़ा सा दिक्कत है कि मतलब किस फॉर्म में दिया था, 1s1 मतलब 1s2 या किस हिसाब से पूछा था, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है किस हिसाब से था। तो इसका अगर आप एग्ज़ाम देके आए तो थोड़ा मुझे आइडिया दीजिएगा। वैसे जहाँ तक मैंने सर्च किया तो ये मुझे मिला KR4 and D8 and 5s1, ठीक है, ये इस टाइप से मिला। अब ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ था ये थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप बताइएगा मुझे क्या होगा इसका, ठीक है। जो भी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो भी आपने मतलब इसमें आपको ऑप्शन कुछ हिसाब टाइप और मतलब ऑप्शन दीजिएगा कि KLMN के फॉर्म में दिया था या फिर 1s1 1s2 इस फॉर्म में दिया था, बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था पहली लेडी जिन्होंने वंदे मातरम गाया, है ना, वंदे मातरम गाया, ठीक है। तो गाइस इसका भी आंसर मुझे नहीं मिल पाया, मिला है बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सर्च में किया तो सुचेता कृपलानी मुझे ऑप्शन मतलब मिल रहा था। अब पता नहीं कंफर्म हूँ मैं, मतलब एकदम कंफर्म नहीं हूँ इस आंसर को लेकर, तो आप बताइएगा, ठीक है, कि आप सर्च करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कंफर्म है, ठीक है, फर्स्ट लेडी वंदे मातरम गाया। और अगर जो मेल की बात करें, इसमें लेडी पूछा गया, मेल तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और अगर जो इनकी बात करें लेडी, तो ये थोड़ा कंफर्म नहीं है, सुचेता कृपलानी खोजने पे मिल रहा था, पता नहीं वो सही है या गलत है, आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए और हाँ, एक फुल फॉर्म पूछा था आपसे, FQDN का फुल फॉर्म पूछा था, क्या हो जाएगा, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक। चलिए एक आपसे पूछा गया था आर्टिकल 243C, है ना, आर्टिकल 243 किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना, पंचायती
पंचायती राज से आपका संबंधित, बाकी डिपेंड करेगा ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ था। ठीक, ये हो गया आपका। और हाँ गाइस, बस मैंने पहले ही आपसे बता दिया था कि आज क्वेश्चन मुझे थोड़े कम मिल पाए हैं, बट आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो आज भी निभाएंगे। आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, मतलब आप एग्जाम देके आए हैं और आपको क्वेश्चन पता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि और लोगों को भी क्वेश्चन पता चल सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे अभी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा नहीं है, बट धीरे धीरे मिलते हैं, तो जो सेकंड शिफ्ट में 7:30 बजे लेकर आऊँगा उसमें आपको क्वेश्चन बता दूंगा। और ये 2 क्वेश्चन डाउटफुल हैं, इसके आंसर आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।